खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हजारीबाग आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार ने होटल मिर्ची में प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार जनता जयंत सिन्हा को नकार दी है। उनके 5 साल के कार्यकाल से आम जनता नाखुश है। हजारीबाग की जनता ठीक से जानती भी नहीं कि हमारे सांसद का शक्ल कैसा है। वे सिर्फ मोदी के गुणगान में ही अपना चेहरा चमकाकर चुनाव में आ रहे हैं। आज की जनता स्थानीय आम जनता के बीच काम करने वाले युवा की हमदर्दी चाहती है। सरकार ने पारा शिक्षकों पर अत्याचार किया, लेकिन जयंत सिन्हा चुप रहे। प्राइवेट स्कूलों में री एडमिशन कॉपी किताब में अवैध वसूली, पत्रकारों पर हत्या, स्थानीयता मुद्दा, बेरोजगार पर हमेशा चुप रहे तो आज की जनता कैसे चुनेगी। मौके पर संगठन के सुमन रॉय, अखिलेश वर्मा, राज निगम अजय रंजन, उदय मेहता, शनि कुमार, राजेंद्र यादव, मुकेश कुमार, दुष्यंत कुमार इत्यादि लोग मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। आज हमारे भारत के युवा बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं। हम भी बेरोजगार हैं, सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं नौकरी का सुविधा नहीं है, इसलिए हम मजबूरन लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। हमारी हमेशा लड़ाई मुद्दा को लेकर रहती है। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, मुद्दा से मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है पब्लिक के बीच में काम करना, जो शुरू से करते आ रहे हैं। आज भी वही करेंगे, कल भी वही करेंगे। हारे या जीते पब्लिक का मैटर है। मेरा काम है समाज को एक नया दिशा देना, युवाओं को एक साथ जोड़ करके चलना। हम जीतते हैं तो कल जाकर हमारे जितने भी युवा ब्रिगेड हैं वो भी अपने उसके हौसला में भी कमी नहीं आएगी, उनके हौसला में भी इजाफा होगा। क्या क्या मुद्दा रखना है? सबसे पहले बात है कि हमारा हजारीबाग जो है री एडमिशन और किताब कॉपी खरीद बिक्री के मामले में बहुत त्रस्त है। आम जनता जितने भी गरीबी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो शहरी में रह रहे हैं, उनको यहाँ के प्राइवेट स्कूल ठका जा रहा है। आज तक सरकार इस पर अमल नहीं की है। हर साल किसी न किसी तरीका से री एडमिशन के नाम पे फीस बढ़ोतरी हो रहा है। सरकार जो है यहाँ पर दोहरी नीति की है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग शिक्षा और जबकि शहरी क्षेत्र के लिए अलग शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ग्राम में अच्छा शिक्षा नहीं मिलने के चलते वो शहर की ओर पलायन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वे भी यहाँ के स्कूलों के द्वारा शोषित हो रहे हैं। आपकी लड़ाई जयंत सिन्हा से होगी? हमारी लड़ाई जयंत सिन्हा से नहीं है, हमारी लड़ाई इस राजनीतिक मुद्दा में मुद्दा के आधार पर है। मुद्दा के आधार पर हम इस चुनावी मैदान में अपना कदम रखें।